देखिए अपराध के पीछे जो चीज छुपी होती है वो अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद में सारा खुलासा होता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही निंदनीय घटना है, शर्मनाक घटना है और पूरा पुलिस प्रशासन अलर्ट है। अभी हमने अभी दो एडिशनल डीजी रवाना किए हैं वहां पे जयपुर से, और एक डीआईजी वहीं पे पहले काफी रह चुके हैं उनको वहीं पे भेजा, अभी एक एसपी एक्स्ट्रा भेजा है, और ऑफिसर्स के साथ साथ करीब 600 लोग पुलिस फोर्स एक्स्ट्रा भी भेजी है, कुछ अभी रात तक मैं और भेजूंगा उसमें। घटना बहुत ही शर्मनाक है। आप लोगों के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूंगा कि इसका चूंकि एक वीडियो वायरल हुआ है वो ना देखें तो बेटर है, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि वो देखने लायक नहीं है और उससे उत्तेजित नहीं हो। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि किसी भी आरोपी को इसमें जो वीडियो में दिख रहे हैं वो, और अगर उसके पीछे भी किसी की ये साजिश निकलती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार की तरफ से भी है, हमारे यहां से जो बिल्कुल निर्देश है क्लियर कट कि किसी को स्पेयर नहीं किया जाए इसमें, और जल्दी ही मुझे लगता है कि आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हो जाएंगे। एसपी और आईजी से मैं लगातार संपर्क में हूं, सीनियर अफसर यहां से निकल चुके हैं, उदयपुर के रास्ते में हैं, पहुंच जाएंगे। तो डीजी सर कौन कौन है? एक तो जंगा साहब है जो रेंज उदयपुर के इंचार्ज एडिशनल डीजी हैं, और दूसरे एमएन दिनेश साहब हैं जिन्होंने उदयपुर रेंज में बहुत काम किया है, एडिशनल डीजी एंटी करप्शन ब्यूरो जो लगे हैं वो। डीआईजी में राजेंद्र गोयल वहां काफी लंबे समय तक एसपी रहे हुए हैं वो हैं, और एसपी राजीव पचार वहीं पे, तो दोनों अफसर वहीं थे तो उनको इमीडिएट भेजा गया वहां पर। सर रात तक और जाता कितना होगा? अभी असेसमेंट कर रहे हैं कि इनकेस हमें कर्फ्यू लगाना पड़ता है या और सिचुएशन को कंट्रोल करना, तो उसका असेसमेंट करके जो जितनी जरूरत होगी रात तक सारे पहुंच जाएंगे। एक इंटरनेट की तो भी अब सबसे बड़ी इंटरनेट बंद करवा दिया है वहां पे उदयपुर में, अभी अभी तो इमीडिएट बंद कराया है। कुछ देर पहले ही मेरी आईजी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि सर मैं डिविजनल कमिश्नर हूं, दोनों साथ में ही थे, कलेक्टर एसपी दोनों मौके पे थे, तो अभी एक बार जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से उसको देखेंगे आगे कब खोलना, लेकिन अभी इमीडिएट एक बार बंद करवाया गया है।